आज की गाड़ी में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिर्फ इकलौती कार पूरे टाउन के अंदर। जी हाँ, आज की अगर गाड़ी की बात करता हूँ तो बहुत ही रेयर, जी हाँ बिल्कुल रेयर कार आप लोगों के लिए आज मैं लेके आया हूँ। आज की गाड़ी हमारे पास है, पीछे आप देख ही सकते हैं मेरे, स्कोडा की ऑक्टेविया VRS रेस ब्लू कलर के अंदर दोस्तों ये कार अपने को दिख रही है, जो बहुत ही सुंदर लग रही है देखने के अंदर। और एक चीज़ आपको इस गाड़ी के बारे में और खासियत बता दूँ यार, ये गाड़ी है सिर्फ और सिर्फ 3 महीने पुरानी गाड़ी। जी हाँ, सिर्फ 3 महीने पुरानी है गाड़ी है, चली भी है सिर्फ और सिर्फ 3000 किलोमीटर। ब्रांड न्यू कार यार, नवंबर मॉडल की कार है आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। एक और कम चली गाड़ी, ब्रांड न्यू कंडीशन की गाड़ी आज आप लोगों के लिए आपका दोस्त मयंक लेके आया है फिर से आपके अपने चैनल पे, मयंक पंजाबी पे। पहले इस कार का वॉक अराउंड एंजॉय कर लो, उसके बाद मैं आप लोगों को दोबारा से मिलता हूँ और देता हूँ इस कार की फुल डिटेल्स और क्या क्या लग्जरी इस कार के अंदर हमको मिल जाती है। एक चीज़ आपको हिंट और आपको दे देता हूँ, अगर आप लोग ये गाड़ी नई शोरूम से लेने जाते हैं तो कम से कम 41,50,000 की आपको ये ऑन रोड कार पड़ती है। लेकिन आज सिर्फ 3 महीने पुरानी कार मेरे चैनल के ऊपर आपको बहुत ही कम रेटों में मिलने वाली है। ये समझ लीजिए कि एक ब्रांड न्यू कार के भी प्राइस हमने इसके अंदर माइनस कर दिए आप लोगों के लिए। चलो पहले आप इस कार का वॉक अराउंड एंजॉय कर लो, उसके बाद मैं आप लोगों को दोबारा से मिलूंगा। तो कैसी लगी यार आपको कार, है ना यार एकदम मेन कंडीशन की ब्रांड न्यू कार। एक बार मैं आपको इस कार की अब डिटेल दे देता हूँ। ये गाड़ी है हमारे पास स्कोडा की ऑक्टेविया VRS। थोड़ी सी गाड़ी की डिटेल ज़्यादा है इसलिए मैं ज़रा मोबाइल अपना ऑन कर लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ इस कार की हमारी फुल डिटेल्स क्या क्या है। अगर इस कार के अंदर मैं आपको फीचर्स की भी बात करता हूँ तो आपको ये सब भी मैं आपको बताऊँगा आगे वीडियो में। चलिए, ये गाड़ी हमारे पास स्कोडा की ऑक्टेविया VRS 2020 नवंबर का दोस्तों मॉडल है। चलिए, सिर्फ और सिर्फ 3000 किलोमीटर दोस्तों गाड़ी चली है, दिल्ली रजिस्टर्ड कार है, फर्स्ट ओनर दोस्तों ये कार अपने पास आज मौजूद है। गाड़ी के अंदर फीचर्स की अगर बात करता हूँ तो नेविगेशन सिस्टम, पुश स्टार्ट बटन, कीलेस एंट्री, पैनोरामिक सनरूफ, ब्ला ब्ला कितनी सारी अनगिनत दोस्तों इसके अंदर लग्जरी फीचर्स आपको इस कार के हमारी साथ मिल जाते हैं। अगर और भी गाड़ी की अगर और फीचर्स की बात भी की जाए तो आपको इस कार के अंदर प्रॉपर 9 एयरबैग्स आपको इस कार के अंदर मिल जाते हैं, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है एंड एप्पल कार प्ले आपको मिल जाता है, प्लस टच स्क्रीन डिस्प्ले दोस्तों आपके उस कार के अंदर मिल जाती है। और भी इतने सारे फीचर्स इस कार के अंदर है कि मैं आपको गिनवाता भी थक जाऊँगा। चलिए, मेरा काम है आपके लिए गाड़ी की बेस्ट डील लेके आना। सबसे पहले तो आप आइए और कार की मेरी एक बार फ्रंट की लुक देखिए कि फ्रंट से कार कितनी बेहतरीन और साफ सुथरी दोस्तों ये गाड़ी अपने पास मौजूद है। फ्रंट डिटेल देने से पहले एक चीज़ जो मेरे को बहुत यूनिक लगी इस कार के अंदर वो है इस कार के DRL। जरा थोड़ा सा पास आ जाओ, बिल्कुल पास आ जाओ और इस कार के अंदर DRL देख लो कि कितनी यूनिक दोस्तों DRL है। अंदर की आप लाइन्स देख रहे हो चलते हुए, कितनी एंटीक और यूनिक लग रहा है इस कार को देखने में। RS की बैजिंग अपने को फ्रंट में देखने को मिल जाती है और अगर ग्रिल्स की बात भी की जाए तो बहुत ही स्पोर्टी दोस्तों इस कार की ग्रिल अपने को देखने को मिल जाती है। चलिए, एक बार आप आइए कार के फ्रंट लुक एक बार दूर से भी देख लीजिए कि दूर से गाड़ी देखने में कितनी नीट एंड क्लीन और बेहतरीन लग रही है दोस्तों देखने में।
अगर कलर की बात भी की जाए तो रेस ब्लू कलर दोस्तों इस कार को हम कलर को कहेंगे। रेस ब्लू बिल्कुल स्पोर्टी दोस्तों इस कार को लुक देता है देखने के अंदर। चलिए फ्रंट लुक आपने देख ली कार की, अब आते हैं कार की साइड प्रोफाइल की तरफ। अब देखिए साइड प्रोफाइल में आपको दिखाता हूँ कि साइड से भी कार कितनी यूनिक और कितनी एंटीक दोस्तों साइड से भी ये कार हमारे को लुक देती है। अगर साइड की बात करता हूँ तो 18 इंचेस के दोस्तों आपको इसके अंदर एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, डूल टोन एलॉय व्हील्स आपको मिलेंगे। पियानो फिनिश के अंदर ब्लैक एंड सिल्वर का कॉम्बिनेशन आपको एलॉयज में मिल जाएगा। अगर साइड प्रोफाइल के अंदर और भी बात की जाए तो इसके अगर आप साइड मिरर्स भी देखते तो काफ़ी स्पोर्टी लुक में दोस्तों इस कार के साइड मिरर्स अपने को देखने को मिल जाते हैं। इनबिल्ट इन पार्किंग इंडिकेटर्स अपने को इस कार में मिल जाते हैं। ज़रा थोड़ा सा आप पास आएँ और ज़रा मैं आपको इस कार के डायरेक्ट टायर्स पे भी नज़र मारे हमारे कि बिल्कुल ब्रांड न्यू। जी हाँ, अभी सिर्फ 3,000 चली गाड़ी है हमारे पास, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पास आके देखते हैं तो आप देख सकते हैं टायर के अभी तो बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन दोस्तों इस कार के आज भी टायर अपने को मिले हुए हैं। क्योंकि आप लोगों के लिए हम जो भी गाड़ी लेके आते हैं सबसे पहले यही काम होता है कि भैया टायर तो आपको हम चारों के चारों ब्रांड न्यू इस कार में डलवा के दें, चाहे भले ही गाड़ी क्यों ना 3,000 ही क्यों ना चली हुई मिले आपको। चलिए अब एक बार आइए कार के इंटीरियर की तरफ भी, जरा इंटीरियर लुक देखें कि कार का इंटीरियर भी कितना नीट एंड क्लीन और आज भी पॉलीथीन पैक्ड इंटीरियर आपको इस कार का देखने को मिलता ही मिलता है। इंटीरियर के अंदर आप देख सकते हैं बिल्कुल इसका अगर स्टीयरिंग की लुक देखते हैं तो डी कट स्पोर्टी स्टीयरिंग आपको देखने को मिल जाता है। सामने डिजिटल मीटर की बात करता हूँ तो फुली एलईडी डिजिटल स्क्रीन अपने को देखने को मिलती है। अगर हम इसके एंटरटेनमेंट स्क्रीन की बात भी करते हैं तो 8 इंचेस की दोस्तों यहाँ पर हमारे को टच स्क्रीन देखने को मिल जाती है। ट्रांसमिशन की भी बात करते हैं तो फुली DSG का ट्रांसमिशन अपने को इस कार के साथ मिलता है और साथ ही इसके अंदर काफ़ी सारे मोड्स हमको इस कार में देखने को मिल जाते हैं। और VRS मोड की अगर दोस्तों बात की जाए तो VRS के अंदर ये कार आपको हाई क्लास पावर अराउंड 247 हॉर्स पावर की दोस्तों ये कार आपको प्रोवाइड करती है। पावर इतनी पावर पैक कार दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ दोस्तों। दिस इज 247 हॉर्स पावर की दोस्तों ये कार अपने को पावर सप्लाई करती है। जो न्यूटी मीटर की बात भी करते हो 370 न्यूटी मीटर का टॉर्क ये कार अपने को प्रोवाइड करती है। यार इतनी स्पोर्टी दोस्तों कार आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ अगर नई गाड़ी की मैं बात करता हूँ तो नई गाड़ी आपको ये मिलती है 41.5 लाख रुपये की शोरूम से। और आज जो डील मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आप ये समझ लीजिए कि एक और नई गाड़ी थोड़ी कम रेंज की गाड़ी वो भी ब्रांड न्यू कार आपको डिस्काउंट हो रही है। इतना कम रेंज आपको 3 महीने के अंदर ही हम लोग इस कार में प्रोवाइड करने वाले हैं। चलो प्राइस जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना, वीडियो को फॉरवर्ड करके तो बिल्कुल मत देखना। चलिए एक बार थोड़ा पास आके देखिए, जरा मैं आपको इस कार की रूफ भी दिखा दूँ कि पैनोरामिक सनरूफ कितनी ह्यूज आपको दोस्तों इस कार के साथ देखने को मिल जाती है। प्रॉपर स्पोर्टी दोस्तों आज ये कार अपने को फील करा रही है। एकदम रेस ब्लू कलर दोस्तों, बिल्कुल रेयर कलर दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और ये गाड़ी भी अगर बात करते हैं तो ओनली वन कार इन टाउन दोस्तों आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि ऐसी कार आपको कहीं भी पूरी दिल्ली क्या दिल्ली NCR में आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। बहुत ही रेयर दोस्तों पीस है। और सबसे बढ़िया चीज़ दोस्तों CBU यूनिट है आप लोगों के लिए, ये फुली दोस्तों बाहर से कार बन के इम्पोर्ट हुई है, कुछ भी कार इंडिया में नहीं बनी हुई। RS मॉडल की दोस्तों ये गाड़ी अपने पास है जो बहुत ही रेयर है अपने आप में ही कार। चलिए एक बार इस कार के जरा बैक प्रोफाइल की तरफ भी आ जाइए कि बैक प्रोफाइल से देखिए कि कार कितनी स्पोर्टी अपने को लुक देती है। किसी भी लग्जरी कार से दोस्तों ये गाड़ी कम नहीं है। प्राइसिंग की बात भी की जाए तो लग्जरी कार से भी कम कोई इस गाड़ी का प्राइस नहीं आता। अपने आप के अंदर ही दोस्तों ये VVIP कार आप इसको कह सकते हैं। चलिए एक बार आप इस कार के बैक प्रोफाइल देखिए कि बैक प्रोफाइल से दोस्तों कितनी स्पोर्टी दोस्तों इसका लुक देती है। स्पॉइलर की बात भी करते हैं तो बिल्कुल ब्लैक पियानो फिनिश का कंपनी फिट दोस्तों इस कार का अपने को स्पॉइलर मिलता है। नीचे देखते हैं तो आपको ब्लैक के अंदर क्रोम फिनिश के अंदर आपको यहाँ पर स्कोडा का लोगो मिल जाता है। ऑक्टेविया की बैजिंग आपको अपने को मिल जाती है देखने को। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर अगर देखा जाए तो RS की भी दोस्तों बैजिंग इस कार में मिल जाती है। और बीच के अंदर आप एक कोटी अगर ध्यान से देखते हैं तो बीच में तुम्हारे भाई का नाम है मयंक पंजाबी। फिर से कहता हूँ मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी वीडियो देखते हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। चलिए थोड़ा दूर से इस कार की एक बार बैक लुक भी देखी जाए तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कितनी स्पोर्टी दोस्तों इस कार को ब्लैक बैक से भी लग रही है देखने में। डूल एग्जॉस्ट दोस्तों इस कार के अंदर दे रखे हैं जो बहुत ही स्पोर्टी लुक दोस्तों बैक से इस कार को बनाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस कार का बूट स्पेस भी कि बूट स्पेस कितना मिल जाता है। सबसे पहले तो इस कार के बूट को ओपन करने का तरीका देख लो कि बूट कितना ऊपर तक ओपन होता है इस कार का यार।
आप देख सकते हो कितना अच्छा कार दोस्तों आपको स्पेस भी देती है कार अपने आप को लोड करने के लिए, कि कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ या कैरी आपका कोई भी बड़ा सा बड़ा बैग भी क्यों ना हो, आप बहुत ही आसानी से दोस्तों इस कार में लोड कर सकते हैं। इतना वाइड स्पेस दोस्तों आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। एक बार इस कार की आपको डिटेल में दोबारा बता दूँ, ये है स्कॉडा की ऑक्टेविया मात्र, सॉरी ऑक्टेविया नहीं गलत बोल दिया, ये है स्कॉडा की ऑक्टेविया VRS, जी हाँ VRS मॉडल दोस्तों ये गाड़ी है, नई गाड़ी 41.5 लाख रुपए की दोस्तों नई गाड़ी अपने को शोरूम से मिलती है। और ये कार आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने पुरानी गाड़ी दोस्तों मैं लेके आया हूँ, दिल्ली रजिस्टर्ड फर्स्ट ओनर दोस्तों कार है, चली है सिर्फ और सिर्फ 3000 किलोमीटर। फीचर्स तो दोस्तों आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे, क्योंकि इतने सारे फीचर्स ये कार के अंदर मिल जाते हैं, प्रोवाइड इस कंपनी ने इतना कर देती है कि मेरे को भी नहीं याद है कि कितने सारे फीचर्स इस कार के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। चलो अब आते हैं इस कार की ड्राइविंग रिव्यू पे, अब चला के देखते हैं इस कार को कि गाड़ी चलाने में कैसी है, कितनी पावर दोस्तों ये कार अपने को देती है। 247 हॉर्स पावर की दोस्तों ये कार की स्पीड है, तो ऑब्वियस है जितना आप एक्सपेक्ट करेंगे उससे तो ज़्यादा ही दोस्तों ये कार आपको पावर देने वाली है। चलिए अब चलते हैं कार के अंदर, मिलते हैं आपको कार के अंदर जाकर। अब चलिए कार के अंदर आके अब हम लोग बैठ चुके हैं, गाड़ी के अंदर के आने की फिर बताता हूँ, तो काफ़ी यार बेहतरीन स्पोर्ट्स फिनिश दोस्तों इस कार के अंदर आपको देखने को मिलेगी। स्टेयरिंग की बात की जाए तो प्रॉपर लेदर स्टेयरिंग आपको मिलता है विद रेड स्टिचिंग, थोड़ी बहुत स्टेयरिंग अपने को देखने को मिलती है, डी कट स्टेयरिंग है एंड RS का आपको यहाँ पे लोगो भी देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा अगर पास आके देखते हैं तो फ्रंट के अंदर आपको डिजिटल मीटर आपको सामने देखने को मिलता है, तो फुली LED दोस्तों डिजिटल मीटर है। सेंटर में आपको प्रॉपर नेविगेशन सिस्टम इस कार का ओपन हो जाता है, तो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है देखने में। राइड में नज़र मार तो गाड़ी हमारी चली है सिर्फ और सिर्फ 3370 किलोमीटर दोस्तों ये कार हमारी रन है। तो कहा था ना दोस्तों मैंने बिल्कुल ब्रांड न्यू कार आप लोगों के लिए आज मैं लेके आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने पुरानी दोस्तों ये गाड़ी है, नवंबर 2020 की दोस्तों ये कार है, और आज आपको मेरे चैनल मयंक पंजाबी पे ये बहुत ही कम रेटों में मिलने वाली है। थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, प्राइस भी आपको इस कार का मैं ज़रूर बताऊँगा। स्क्रीन की बात करते हैं तो प्रॉपर टच स्क्रीन दोस्तों अपने को यहाँ पे देखने को मिल जाती है, एंड अगर ये बटन्स की बात भी करता हूँ तो प्रॉपर फैदर टच दोस्तों बटन अपने को इस कार में देखने को मिल जाते हैं। तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पर AC कंट्रोल्स मिल जाते हैं, बटन्स आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्लैक पियानो फिनिश के अंदर, इतने बेहतरीन और लग्जरी लग रहे हैं देखने में कि बहुत एलिगेंट दोस्तों फील दे रहे हैं बटन्स भी इसके AC के। डुअल क्लाइमेट दोस्तों AC आपको मिल जाता है। अगर नीचे की ओर बात करते हैं तो सामने की तरफ कुछ आपको इसके कार से कंट्रोल्स मिल जाते हैं। एक गाड़ी के अंदर वो खासियत है, आप ये वाला बटन देख रहे हैं दोस्तों, ये आपको ऑटो पायलट मोड दोस्तों आपको इस कार में मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल, पार्किंग कंट्रोल्स एंड यहाँ पर आपको कार्स के डिफरेंट मोड्स आपको इस गाड़ी के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं देखने को। फ्रंट स्क्रीन पे देखिएगा जैसे मैं मोड चेंज करता हूँ, इंडिविजुअल मोड पे देख सकते हैं आप कितना अलग, इको मोड, नॉर्मल मोड, स्पोर्ट्स मोड, कितने मोड्स की तरह के दोस्तों आगे स्क्रीन कंपनी ने दे रखी है। बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही बेहतरीन दोस्तों मेरे को फीचर लगा देखने के अंदर। एंड ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो DSG ट्रांसमिशन दोस्तों अपने को देखने को इस गाड़ी के साथ आता है, विद VRS का लोगो भी आपको ट्रांसमिशन में इस कार में देखने को मिल जाएगा। चलिए एक बार अब मैंने किया बैक गियर, इसका जरा पार्किंग कैमरा भी देख लीजिए, प्रॉपर स्टेयरिंग असिस्ट दोस्तों इस कार का आपको पार्किंग कैमरा आपको साथ में मिलता है। चलिए काफ़ी हो गई इस कार के बारे में बातें, आगे फीचर्स और जानने के लिए जरा कार को गूगल करके देख लेना, मेरा काम है आपको ड्राइविंग रिव्यू देना। चलते हैं कार के ड्राइविंग पे, देखते हैं कार का ड्राइविंग का मज़ा कि क्या कार ये ड्राइविंग मज़ा देती है, और 247 हॉर्स पावर की पावर कितनी बेहतरीन होती है टर्बो पेट्रोल इंजन में। आज मैं आपको इतना भगा के गाड़ी अभी नहीं दिखाऊंगा स्टार्टिंग में, थोड़ा सा कार को आराम से चला के भी देखते हैं और देखते हैं कार के अंदर कोई नॉइस तो नहीं आती, क्योंकि यार नॉइस भी क्यों आएगी, 3 महीने पुरानी सिर्फ कार है तो नॉइस का तो कोई काम बनता ही नहीं आना। बट स्टिल अगर मैं बड़े आराम से बात करता हूँ और इसकी कैबिन की बात भी करता हूँ तो वेल आइसोलेटेड दोस्तों अपने को इस कार का कैबिन मिलता है, कोई बाहर की साउंड एक्सटर्नल साउंड मेरे को बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही है, बिल्कुल शांत और एकांत दोस्तों ये कार को आप कह सकते हैं। ये गाड़ी की दोस्तों आपको डील आपको दोबारा बता दूं, दिस इज़ 2020 मॉडल,
नवंबर 2020 का मॉडल है। सीबी यूनिट दोस्तों अपने को यहाँ पर मिल जाती है, चली है सिर्फ और सिर्फ 3000 किलोमीटर। दोस्तों ये कार ओनली ड्रिवन है, जो कुछ भी नहीं होता ऐसी गाड़ियों के लिए। नई गाड़ी मैं आपको बता ही चुका हूँ, 41.5 लाख रुपए की नई कार है ये। कार मेरे चैनल पे आपको एक और ब्रांड न्यू कार के रेट से भी कम मिल जाएगी, लेकिन वो ब्रांड न्यू कार छोटे सेगमेंट की ब्रांड न्यू कार है, कोई हैवी सेगमेंट की ब्रांड न्यू कार मत समझ लेना। कार के अंदर अगर बम्प्स भी आते हैं तो दोस्तों सस्पेंशन भी काफ़ी स्टिफ दोस्तों इस कार का सस्पेंशन मिल जाता है। और यार सबसे बड़ी चीज़ तो मेरे को इस कार में जो पसंद आई यार वो आती है, अगर इसकी ड्राइविंग की बात भी करते हैं तो बहुत ही स्मूथ दोस्तों इस कार की ड्राइविंग है। प्लस अगर मैं इसके स्टेयरिंग की बात करता हूँ तो स्टेयरिंग इतना स्पोर्टी लुक देता है चलाने के अंदर कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप ऑक्टेविया चला रहे हैं, आपको लिटिल फील होगा कि आप स्पोर्ट्स कार को चला रहे हैं। चलो एक बार लेते हैं कार का यू टर्न, देखते हैं थोड़ा सा कार को भगा के भी, लेकिन स्पोर्ट्स मोड में भगाएंगे इस कार को और देखेंगे इस कार की पावर कितनी है, क्या इस कार की पिकअप अपने को मिलती है। जरा सा हल्का सा पहले रेस देते हैं। वो इंजन की आवाज सुनी आपने दोस्तों, आवाज सुनी दोस्तों इंजन की आपने, एकदम से कैसे स्पोर्टी दोस्तों फिनिश आ गई थी और टायर भी ऐसे रोल हुए थे बिल्कुल स्किड होते हुए दोस्तों कार चली थी, इतना मजा आ गया था चला के। थोड़ा सा साइड में कार लगाते हैं, थोड़ा सा इसको दोबारा भगा के देखेंगे और देखते हैं कार की भागने में ढंग से पिकअप कैसी है और भगाएंगे स्पोर्ट्स मोड पे अपन लोग। चले थोड़ी सी रोड हो गई है खाली, हल्का से इस कार को भगाते हैं। वो वो इंजन की आवाज सुन रहे हो दोस्तों आप लोग, पेट्रोल की एकदम रोर की दोस्तों कार में आवाज आ रही है। वाय गॉड इतनी अल्टीमेट दोस्तों इस कार की पिकअप है, जैसे गियर शिफ्ट नीचे भी हो रहा है फिर भी कार एकदम से पटाखे मार रही है पीछे से, जैसे गियर नीचे शिफ्ट होता है। ओ वाय गॉड, वो डाउन शिफ्ट, वो सुनी डाउन शिफ्ट, देखते हैं कैसे पीछे से आवाज निकलती है पटाखे की। लेते हैं कार का एक बार यू टर्न, दोबारा से भगाते हैं और चलते हैं अपनी लोकेशन पे और बताता हूँ आपको कि ये कार की हमारी आस्किंग प्राइस कितनी मिल जाती है। यार मजा आ रहा है इस कार को चला के, क्या इस कार के अंदर इंजन की साउंड आ रही है ना जो, वो बड़ा मजा आ रहा है। ओ तेरी मजा आ गया, इतनी सड़कें नहीं है दिल्ली के ऐसे भगाने को, इसके लिए तो यमुना एक्सप्रेस हाईवे जैसा यार रोड चाहिए अपने को। बट स्टिल चलो चलते हैं अपनी लोकेशन पे, बताता हूँ आपको हमारी इस कार की आस्किंग प्राइस और क्या इस कार की डिटेल्स और डील्स है। चलिए मिलते हैं कार के बाहर। चलिए दोस्तों अब आते हैं इस कार के मेन मुद्दे पे कि ये गाड़ी आपकी कितने रोकड़े में, कितने पैसों में आपकी ये कार हमारी अवेलेबल हो जाएगी। दोस्तों ये कार की डिटेल है स्कोडा ऑक्टेविया वीआरएस मॉडल दोस्तों ये कार है, चली है सिर्फ और सिर्फ 3000 किलोमीटर दोस्तों ये गाड़ी चली हुई है, फर्स्ट ओनर दिल्ली रजिस्टर्ड दोस्तों ये कार अपने को मिल जाती है। फीचर्स की भी बात की जाए तो फीचर से भी कार भरपूर भरी हुई गाड़ी फीचर से भी आपको मिल रही है। मेन बात ये कार कितने की आपकी हो जाएगी दोस्तों, ये कार की हमारी डिमांड है 32 लाख रुपीज़, जी हाँ 32 लाख रुपए दोस्तों इस कार की हमारी आस्किंग प्राइस है जो ऑन टेबल नेगोशिएबल है। नीचे जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों पे फटाफट से कॉन्टैक्ट कर लो, ऑफिस आके इस कार की जरा डील को देख लो कि ये गाड़ी आप लोगों को कैसी लगती है, कार को ट्राई करो पूरा ठोक बजा के चेक करो, उसी के बाद अपने डील को आके फाइनल कर लो। एक बात और दोस्तों जाने से पहले बता दूँ, नई गाड़ी अगर की बात की जाए तो 41.5 लाख रुपये की ये ऑन रोड कार है, लेकिन आज सिर्फ 3 महीने, मात्र 3 महीने पुरानी गाड़ी आप लोगों को मेरे चैनल पे कितने की मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ 32 लाख रुपए की, वो भी ऑन टेबल नेगोशिएबल प्राइस है। अब आप खुद ही लगा लो यार सीधा 9 लाख रुपए का डिफरेंस, उसके बाद भी नेगोशिएबल प्राइस आपको हम ऑफर कर रहे हैं, तो इतनी बेहतरीन डील मुझे नहीं लगता आपको कहीं और मिलेगी, क्योंकि यूनिक कार है और दिल्ली NCR में तो दोस्तों वन एंड ओनली कार आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ।
चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और बेहतरीन कार के साथ, लग्जरी कार के साथ, कम चली लग्जरी कार के साथ मिलता हूँ आपको दोबारा। लेकिन पहले नीचे दोस्तों मेरा चल रहा है इंस्टाग्राम हैंडल, उसको भी जाके फॉलो कर लो और नई नई कार की डील्स वहाँ पर भी आके आप लोग देख सकते हैं। चलिए मिलता हूँ नई वीडियो में, टिल देन आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, टाटा एंड हैप्पी संडे टू ऑल।